मेरे दोस्त, जब दादा हर आदमी बन सकता है और चलना हर आदमी सीख सकता है, तो यकीन मानिए जो इस इंडस्ट्री में और इस कंपनी में आएगा वो हर आदमी रूबी स्टार भी बनेगा, टोपाज भी बनेगा, सपायर भी बनेगा, करोड़पति भी बनेगा और लग्जरी गाड़ी का मालिक भी बनेगा। लेकिन वो हर काम बनेगा तब जब आपके अपलाइन ने जो जो काम किए वो सारे काम आप रिपीट करते रहेंगे, रिपीट करते रहेंगे, रिपीट करते रहेंगे, तो मैं गारंटी दे रहा हूं बनेगा। ये जरूर होगा कि आप लोग जब मीटिंग करने के लिए जाते हैं तो कई बार आप 10 लोगों से मीटिंग करने के लिए जाते हैं और पता चलता है कि एक भी आदमी नहीं मिला। आप बड़ी उम्मीद के साथ किट लेके जाते हैं और आप ऐसा सोच के जाते हैं कि मैं ज्वाइन कराने के लिए लोगों को जाऊंगा, लेकिन आपके साथ एक भी ज्वाइन होता है कि नहीं होता? नहीं होता। कई बार ऐसा होता है कि आदमी के मन में टूटता है, घबराता है, उसके अंदर डर बैठता है, उसका ऐसा लगता है कि पहले आसान था अब मुश्किल है। लेकिन दोस्त मैं आपको बताऊं, इस कंपनी में जब अनुज शर्मा जी ने ज्वाइन किया था, जब मैंने ज्वाइन किया था, उस टाइम असली पे स्मैनलेस में कोई आदमी करोड़पति नहीं हुआ करता था। लोग हमसे पूछा करते थे कि आज से पहले कोई करोड़पति बना? हम बोलते थे हम ही बनेंगे। हमसे पूछा करते थे किसी के पास कोई डंकी कार है? मैंने कहा हम ही लेंगे। बोला जब आप करोड़पति बन जाओ तब आ जाना, जब आपकी गाड़ी ढंग की आ जाए तब आ जाना। आज बिजनेस पहले की बजाय आसान हो चुका है, क्योंकि आप आज अगर आपको कोई बोलता है कि कोई आदमी करोड़पति बना, आप जब फोल्डर के पीछे वाले पन्ने खोलते हो देख ये बना, ये बना, ये बना, ये बना, तो लास्ट में बंदा बोलता होगा बस बहुत है, बस बहुत है। आपसे कोई पूछता है किसी ने लग्जरी गाड़ी ली, तो आप एक दिखाते हो, दो दिखाते हो, पांच, दस, पंद्रह, बीस, तीस, चालीस, पचास, साठ, सत्तर। आपकी दिखाने की लिमिट खत्म नहीं होती है, लेकिन देखने वाले की लिमिट खत्म हो जाती है। वो बोलता बस। जब इस होल से बाहर निकलेंगे, शुरू में हम किसी मीटिंग में जाया करते थे, हम लोगों ने भी ओला में जाके मीटिंग की है दोस्त, हम लोगों ने भी रेलवे स्टेशन रिक्शे में जाके मीटिंग की है। लेकिन आप इस होल के बाहर देखेंगे तो एक नहीं, आज के दिन चार चार लग्जरी गाड़ी एक होल के बाहर खड़ी है दोस्त। और चार चार लग्जरी गाड़ी नहीं है, चार की चार लग्जरी गाड़ी लग्जरी नंबर के साथ खड़ी है। सिर्फ बात यह नहीं है कि हम नेटवर्किंग करते हैं, हम नेटवर्किंग नहीं करते, हम थोड़ी हाई क्लास नेटवर्किंग करते हैं दोस्त। जो आज तक लोग करते आए अगर वही हमने किया, आज तक जो लोग करते आए वही हमने किया, तो हमारी अलग पहचान क्या? हम तो वो करेंगे जो आज तक कोई कर नहीं पाया। और ऐसा बताने की जरूरत नहीं है, पूरे हिंदुस्तान ने असली पेस में पिछले 7 साल में साबित कर दिया कि जिस जिस आदमी ने असली पेस वेलनेस का दामन थामा है, आज उसके घर की गरीबी भाग गई है सोच, आज उसके घर में साइकिल से और पैदल से लग्जरी गाड़ी का मालिक बन चुका है। दोस्तों विश्वास करने की जरूरत है, क्या आपके अंदर से आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? मैं नहीं कहूंगा, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि मेहनत करने की जरूरत है दोस्त, मेहनत नहीं करनी, मेहनत नहीं करनी है। मेहनत तो रिक्शे वाला करता है, मेहनत तो मजदूर करता है, मेहनत तो लोग खेत में करते हैं, मेहनत तो किसान करते हैं, मेहनत तो ट्रक का ड्राइवर करता है। यहां तो सिर्फ लोगों से बातचीत करनी है, और वही बातचीत करनी है जो आप अपने दोस्तों के साथ करते हो, और जब खाली टाइम में बैठे रहते हो तो गप्पे मारते हैं कि नहीं मारते, गांव के अंदर पीपल के नीचे बैठ के ताश खेलते हैं कि नहीं खेलते? मेरे दोस्त वो काम क्यों नहीं लगता कि वो ताश खेलने से किसी के घर में पैसा नहीं आता है? वो काम क्यों नहीं लगता कि गप्पे मारने से किसी के घर में पैसा नहीं आता है? लेकिन वही बात उतनी देर बाद करने से यहां पे पैसा आता है और यहां पे आदमी करोड़पति बनता है। मेहनत नहीं करनी है।